हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ शॉर्टकट टिप्स जो कि आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज करते समय यूजफुल हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर हम पहले ट्रिक की बात करें तो मैं एक एप्लीकेशन ऑन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है कि माउस को यहाँ पे ले जाके यहाँ से क्लोज नहीं करना है, मैं दबाऊंगा अल्टर F4 देन क्लोज। अल्टर F4 से क्या होगा कि हम एप्लीकेशन को डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। मतलब हम पहले डिलीट करते हैं, देन वो रिसाइकल बिन में जाता है, फिर हमको वहाँ से फिर से डिलीट करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ऐसे मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, देन सिंपली शिफ्ट डिलीट दबा दूँ, यहाँ पे दिखाएगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, देन प्रेस एंटर। परमानेंटली डिलीट हो गई, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। देन अगर हम किसी भी फोल्डर को रिनेम करना है तो हमको यहाँ पे जाकर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, सिंपली मैंने इसको कर लिया ड्रैग। अगर मुझे यहाँ पे डबल टैप करके यहाँ पे रिनेम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा फंक्शन F2, जो कि आप डायरेक्टली F2 प्रेस कर सकते हैं अगर आप फिजिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन F2 के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने दे दिया नेम, देन एंटर, यहाँ पे हो गया रिनेम। देन सिंपली नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो हम देखेंगे हम इमोजी कैसे यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप में। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि हम इमोजी लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, विंडोज और यहाँ पे फुल स्टॉप वाला दबाना है, तो यहाँ पे इमोजी हमको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे इमोजीज है यहाँ पे, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में हमें देखने को मिल जाते हैं, और हम इसको कर देंगे क्लोज। देन हम इसी को यूज़ करके शट डाउन भी कर सकते हैं, अल्टर F4 को यूज़ करके शट डाउन भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन क्लोज भी कर सकते हैं। देन हमें नहीं करना, हम कैंसिल कर देंगे। देन अगर नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो हम एक स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो हमें सिंपली क्या करना है कि विंडोज और प्रिंट स्क्रिप को दबाना है, तो स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइल्स देन फोटोज और यहाँ पे स्क्रीनशॉट, यहाँ पे निकल गया, एक मैंने पहले निकल गया था। सो अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो अल्टर F4, ये हो गया क्लोज। देन अगर मुझे करना है स्निपिंग टूल्स का यूज़, मतलब कुछ स्पेसिफिक स्क्रीन को अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो मैं करूँगा सिंपली विंडोज शिफ्ट एंड S, देन यहाँ पे हो जाएगा स्निपिंग टूल ऑन और मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी स्पेसिफिक एरिया को स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। देन अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाए तो मैं आपको बताऊँगा, अगर मुझे एक एप्लीकेशन में ऑन कर लेता हूँ, अगर मुझे कर लिया इसको और मैं अब क्या करूँगा, मुझे इसको रीड करना है तो मुझे क्या चाहिए कि ब्लू रेस मेरे आँखों पर नहीं आनी चाहिए, तो मैं सिंपली इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल विंडो C, देन ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है, कंट्रोल विंडो C से फिर से हो जाएगी जैसे कि वैसे कंट्रोल विंडो C, यहाँ पे ब्लैक और देन कंट्रोल विंडो C, अगेन ब्लैक एंड व्हाइट। सो अगर मैं आपको कुछ ट्रिक्स और बताऊँ तो अगर मुझे ऐप क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐप क्लोज का तो मैंने बता दिया अल्टर F4, अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो अल्टर स्पेस एंड दबाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली क्लोज, देन मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मुझे फिर से एक्सेस करना है तो मैं दबाऊंगा अल्टर टैब, देन आई कैन एक्सेस इट, अल्टर टैब, दोनों टैब को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको फिर से मिनिमाइज करना है तो अल्टर टैब देन ये हो गया मिनिमाइज। तो यही ट्रिक्स थी जो आप यही शॉर्टकट्स थे जो आपके काम में आने वाले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर अनदर इंटरेस्टिंग वीडियोज। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।